अर्ज किया है। वाह 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 वाह। अरे अर्ज करने तो दो। लड़ने से जो डरे उसे कायर कहते हैं और जिससे दुनिया डरे उसे शायर कहते हैं। वाह वाह वाह। थैंक यू। ऐसी ही शायरों की टोली हम लेकर आए हैं कॉमेडी सर्कस के इस मुशायरे में और शुरू हो रहा है हमारा शायरी स्पेशल। तो हो जाए जोरदार तालियां हमारे सबसे बड़े कदरदानों के लिए, हमारे जजेस। प्लीज वेलकम अर्चना पूरन सिंह, जिनकी तारीफ में किसी ने अर्ज किया है कि आसमान में जितने तारे हैं, आंखों में जितने इशारे हैं, समुंदर में जितने किनारे हैं, उतने ही स्क्रू ढीले तुम्हारे। सतीश शाह, जिनकी डील डॉल पर कहा गया है कि मूली गाजर का नूर तुझ पर बरसे, तेरी चाहत को आलू टमाटर तरसे, तेरी जिंदगी में आए इतने कद्दू कि तू छोटे छोटे टींडे खाने को तरसे। And finally, शेखर सुमन, जिनकी आदतों के बारे में कुछ इस तरह अर्ज किया गया है कि इन्हें सिर्फ लड़कियों की प्यास लगती है, हर वक्त दिख जाने की आस लगती है। शेखर इस दीवानगी में हो गए हैं इतने दीवाने कि इन्हें हर लड़की की माँ अपनी सास लगती है। और अब बारी है उस शख्स की जो मरने के बाद भी यही कहेंगे कि एक बार मेरी मौत पर तू आना, कफन बिछा के जलील नहीं किया तो मेरा नाम शकील नहीं। प्लीज वेलकम शान ए शकील, जिनकी शान पट्टी कब्रिस्तान में लेटे मुर्दों में भी जान फूंक दे। ये कैसे कपड़े पहने आपने? मेरे कपड़ों के बारे में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, डिपार्टमेंट मेरा है, खुद ही बोल दूंगा। पता नहीं क्यों पहना दिया चूड़ीदार पैजामा, खुदा ही कसम खटमल अंदर चला गया, पागल हो गया, निकलूं कैसे? मैं मार भी नहीं रहा हूँ, उसने मेरा खून पी लिया, औलाद औलाद जैसा लगने लगा मुझे वो। अब उसकी रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है। बस मैंने उसको कह दिया कोई गलत हरकत नहीं करना भाई, रहो आराम से रहो। तुम्हें पता मैं शायर हो गया हूँ। आप शायर कब से बन गए? बस एक लंबी कहानी है। कितनी लंबी है? चल हाईवे पे चल के सुनाता हूँ। हाईवे खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म नहीं होगी। मैंने किसी से कहा मुझे शायर बनना, बोला किसी लड़के से इश्क कर लो, दिल तोड़ के चले जाएगी, शायर बन जाओगे। मैंने ट्राई शुरू कर दी। एक दिन घर के बाहर बैठा था, एक लड़की आई, आंखों से आंखें नजरें टकराई मेरी, मैंने एक लव लेटर लिखा, फेंका, उठाया, वो चली गई। दूसरे दिन आया, फिर मैंने दो खत लिखा, उठाया, चली गई। तीसरे दिन आठ खत लिखा, उठाया, चली गई। एक दिन पूरा रजिस्टर लिख के फेंका, लेके चली गई। लोगों ने मुझे बाद में बताया ये कूड़ा चुनने वाली औरत है ये। उसके बाद फिर मैंने एक नाचने वाली से मोहब्बत कर ली। नाचने वाली? अरे बहुत शरीफ बच्ची थी, मुफ्त में नाचती थी। फिर मैंने उसको आइडिया दिया, मैंने कहा बिजनेस बना लो इसको। मैंने उसे आइडिया दिया। फिर उसने मेरे भी ट्राई शुरू कर दी। मैं करोड़पति से करोड़पति हो गया, वो करोड़पति हो गई। आज माशाल्लाह मेरा घर उसके हवाले है, उसी में उसने अपना एक छोटा सा कोठा खोल लिया है। बस उसी दिन एक शेर आमद हुई मुझे कि दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, चंपा ने मेरे घर को अड्डा बना लिया। शुक्रिया, अब जाकर बैठिए। आज तो माशाल्लाह तुम भी लग रही हो उमराओ, कभी मेरे घर तो आओ। दफा होंगे आप? जाओ, क्या तमीज से दफा कर रही है तुम? माशाल्लाह, ऐसी हमारी यहाँ बच्चियाँ ईद पे कपड़े पहन के घूम रही होती हैं और हर आने जाने वाले से कहते ईदी ईदी। हालांकि इसका खुद का नाम क्या है? श्रुति सेठ। जी हाँ, है सेठ, लोगों से रोटियां मांग के खाती है। बारी है हमारी पहली शायर जोड़ी की। एक नई फिल्म बना रहे हैं वही भोजपुरी सीग्रेट डायरेक्टर कृष्णा, जिसके गानों के बोल लिख रहे हैं बर्बाद ख्यालों के उभरते शायर लहरी। इस कॉम्बिनेशन में बेचारी फिल्म का क्या हुआ ये देखने लायक है। आ रहे हैं कृष्णा एंड सुदेश। हेलो, हा
आर्ट डायरेक्टर त्रिपाठी बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा, मैं फिल्म बना रहा हूँ उमराव जान 3। हाँ अरे पहला और दूसरा कोई समझे नहीं ना लोग, अभी हम समझाएंगे लोगों को। हाँ अच्छा सुनो, हमको एक शायर की जरूरत है यार गजल के लिए। हाँ कोई बढ़िया सा आदमी भेजो। हाँ क्या नाम बताए? जंगली। अरे साला कपड़ा अपड़ा पहन के आएगा ना। मैं कीमती लाल जंगली। फोन से निकले हो का? मैं तो एयरपोर्ट से सीधा इधर ही आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, एयरपोर्ट से आ रहे हैं आप? लेकिन मैंने तो सुना था आप आदर्श नगर में रहते हैं, एयरपोर्ट कैसे पहुंच गए? ऑटो पे, वो मतलब ऑटो पहले उधर कर लिया ना सीधा ही एयरपोर्ट का, एयरपोर्ट से उसको बोला भी यहाँ ले आओ, थोड़ा स्टैंडर्ड बन जाता है सर, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शहर बेइज्जती ना करनी मेरी, मैं बहुत बड़ी बड़ी जगह जाता हूँ, मैं बदतमीजी बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करता। मैं अभी उधर से आ रहा हूँ, प्रोग्राम नहीं आता 10 कदम, वहीं से आ रहा हूँ, सेलिब्रिटी बुलाया था मुझे। अच्छा जी, वो 5 सवाल कहते हो जवाब देने हो, मैं कहा भी आप आखिरी सवाल पूछो 10 करोड़ का, क्योंकि हम वो ऐसे भी तो है नहीं, हम शहर बंदे हैं। वो 10 करोड़ का सवाल पूछा, याद मुझे पूरा था, मैं बताने लगा आपका फोन आ गया, तो मैंने सोचा 10 करोड़ तो कभी भी आ जाएगा, इधर अगर आपको गजल पसंद आ गई तो 2000 का नुकसान हो जाना है जी। अच्छा कुछ सुनाओ। सुनाओ जी। गजल गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं। अरे यार अपना सुनाओ अपना। अच्छा अपना तो पहले बोलो ना, फिर आप पता नहीं कैसे डायरेक्ट में फोन कर लीजिए। एक मिनट। हेलो बिट्टू यार कुछ अपना सुना। अबे अपना बोल रहा हूँ अपना। हो तो मेरा अपना ही है बिट्टू, मेरा कजन है। कमाल करें तो ये बात। हेलो बिट्टू। हाँ सुना। हाँ बीड़ी चलाई ले। अबे झंडू बम समझाए क्या? बीड़ी चले ले, गुलजार से आपकी गजल है। सर मैंने कब कहा मेरी, मैं तो उसको कह रहा हूँ बीड़ी जलाई ले, उसको जरा जल्दी याद आ जाएगा बीड़ी पी के। बीड़ी जलाई ले यार। हाँ बी हाँ 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 जी। जुल्फ काली मेरे यार वाली मूड है, जुल्फ काली मेरे यार वाली मूड। आगे आगे फोन ही कट गया, उसने पूरा सुनने ही नहीं दी। अबे बकवास कर रहा है। सर जी बदतमीजी नहीं करनी, आई डोंट लाइक, मैं तुम्हें दसा मैं बहुत बड़ा शायर हूँ, ये आप गलत कर, शायर चाहे बड़ा हो या छोटा हो इज्जत करो। पानी तक नहीं पूछा, पानी तो पूछ लो। पानी पियोगे? तो और मैं शराब ऐसे नीट पियूंगा। अबे तू शराब पिएगा? सर आप मुझे गलत समझ रहे हो, दरअसल बात पता क्या है, जो मेरे शेर है ना वो सारे वेज हैं, वो बिल्कुल शराब लाइक नहीं करते, अंदर शराब जाएगी शेर बाहर आ जाएंगे दरार करके, इसलिए तो मेरा नाम है जंगली कीमती लाल। तू अपना कुछ सुना ना यार, या तू एक काम कर, तू दारू भी पहले। एक मिनट बता। हाँ पी ले, चल पी ले। पीलो। मैं नहीं पीटा। नहीं नहीं खत्म हो गई, बाहर फेंक दो, ये पवित्र जगह है, फायदा क्या है इसको, कौवा बाहर फेंक दो। मूड बन गया? ठीक है अब तो कुछ सुनाएगा ना। ठीक है अभी बैठो आप। सुना। सारे गामा डा, सारे गामा डा, डाली 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 डाली। एक्सक्यूज मी, ये डबल मीनिंग वाली गजल मत सुनाइए, मैं सीक्रेट फिल्म नहीं बना रहा हूँ। सर आप गलत समझ रहे हो, डबल मीनिंग इसमें तो मीनिंग ही नहीं है। अच्छा तो तू मेरे को मीनिंगलेस गजल सुना रहा है? नहीं नहीं मीनिंग है, मतलब मीनिंग थोड़ा लेस है, मतलब आप पूरी सुनो ना। अबे क्या बकवास कर रहा है यार, मैं पुराना जमाना वापस लाऊंगा, ऐसा कोई अच्छा सुना मीनिंगफुल। देखो पुराने जमाने में जो मीनिंग वाली गजलें पता क्यों चलती थी, लोग अनपढ़ थे, जब से लोग पढ़ लिख गए हैं कौन मीनिंग सुनता है, आप समझो ना मेरी बात को। तू सुना तेरे माहौल बनाओ। हाँ सरे गामा डाली डाली डाली। एक मिनट ये वृक्ष की डाली, वृक्ष की। अच्छा अच्छा ब्रांचेस ऑफ ट्री। यस अच्छा अच्छा यार इस डाली में तो मीनिंग है यार, सुनो ना पहले। लेकिन सुन पुरानी वाली डाली थी उसमें तो मीनिंग नहीं था। उसमें नहीं था, गोली मारो आप इसमें है ना। हाँ है, नजर आ रहा ना? आ रहा। तो इसको सुनो कि रात की बात की क्या बात कर, प्रेजेंट में रहो ना। अच्छा अच्छा, इसीलिए तरक्की नहीं करते तुम जैसे डायरेक्टर। सुनो नहीं सा गा मा पा डा डाली 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 यार मेरी
सुनो क्या सुना रहा है आजू सुनो सुनो तुझे बोला मीनिंग वाला सुना यही रहो यही मैं सुनाता सुनो यही रहो डेली 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 अब जिस वृक्ष पे मैंने नजर डाली वो माली ने काट डाली अरे क्या बकवास कर रहा अच्छा सुन हेलो सुन मेरी बात सुनो पहले खड़ा हो तू बदतमीजी कर रहे हो आप सुन मैं डायरेक्टर हूँ ठीक है अब मैं तेरे को सिचुएशन दूंगा तो सिचुएशन पहले दे देते मैं सुना देता सिचुएशन ये है वीआईपी आपका क्या लगता है ये सिचुएशन है आपको अबे तू सिचुएशन सुन यार हाँ जी बताओ सिचुएशन ये है कि हीरोइन की माँ का विलन ने रेप कर लिया हीरोइन की माँ का इस पे मुझे गजल चाहिए ओके एक मिनट ये क्या कर रहे हो ये अलग अलग पेन होते हैं ना जैसे गीत का अलग फाइट का अलग सीरियल का अलग पंजाबी गानों का रेप का किधर गया हाँ ये मिल गया पता क्यों रेप वाला पेन जरा अलग रखना पड़ता है संभाल के इसका पता नहीं कहाँ चला जाए कौन ले जाए कहाँ पहुंच जाए सुनो हीरोइन की माँ की अबे ये क्या सुना रहा है यार इज्जत पे जिसने नजर डाली हाँ अरे बढ़िया बोल रहा है यही चाहिए हीरोइन की माँ पर जिसने नजर डाली 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 अबे तेरी डाली मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मेरी क्या मेरी बात सुनो डाली डाली सुनो मेरी अरे हेलो, नहीं हेलो, कर दिया हेलो, नहीं गलत है नहीं डाली 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 सर तीन डालियां हुई चार डाली 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 चौथी डाली डाली थैंक यू बिना सिर पैर वाली एक्ट फिर से दिखा डाली वाह 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो शेखर कि जिस शाख पे बैठे थे वही शाख काट डाली वाह 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 आप लोग अच्छे परफॉर्मर्स हैं इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन आई स्टिल गिव यू एन 8 पॉइंट्स आई थॉट कि आपके स्क्रिप्ट में दम नहीं था उसके बावजूद बिल्लो जी लहरी साहब आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है For that one madness that I saw in your characterization, I will still give you a 9. 9 points. Thank you. आपको तो मैं अपना जानशीन समझता हूँ. I'll give you 7. 7 points. Thank you. It's time now for some शान पट्टी. लो भाई अर्ज किया है और तुम्हारे पे कोई 200-300 खर्च किया है. मैं जैसी पार्टी होती है उतनी खर्चा होता है माइंड नहीं करना. जी जी बिल्कुल. अर्ज किया है. दिखा के जलवा वाह 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 दिखा के जलवा क्या बात है बहुत बढ़िया क्या जलवा दिखाया बताइए फिर तो अर्ज किया है दिखा के जलवा वाह 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 अरे भाई दाद दीजिए दिखा के जलवा दिखा के जलवा दिखा के जलवा मजा आ रहा है हाँ बहुत बहुत मजा आ रहा है बिल्कुल मैं तुझे दही बड़े खिला रहा हूँ किस बात के अंदरूनी मजे ले तू मुझे तपा नहीं दिखा के जलवा खाती है हलवा जो होगी शादी तो होगा कलवा कलवा क्यों होगा और आपको कैसे पता भाई कलवा ही होगा मेरे बच्चे ऐसे ही होंगे आप कैसे होंगे कोई शाहरुख खान के बच्चे तो हो नहीं सकते ऋतिक रोशन के मैं हमेशा जला भुना काम करता हूँ भाई बस जहन में रखना दूसरा सुनो सेब के दरख्त पे आम खिलते हैं वाह क्या थॉट है सेब के दरख्त पर आम खिलते हैं अबे क्या पागल हो गई कभी सेब के दरख्त पे भी आम खिलते हैं चल तू शेर सुना दे कोई मैं इधर से निकली क्या वाह क्या निकली खुदा की कसम चौकीदार को भी नहीं पता लगा तू निकल गई क्या टेक्निकल औरत है तू मैं इधर से निकली वाह वाह किसी का बाप निकल के दिखा दे मुझे मैं निकलू निकलो मैं भी कहीं निकलू चल बोल मैं इधर से निकली क्या बात है बाबा आप ही निकल लीजिए चलो अच्छा, आप निकलिए नहीं निकलो नहीं निकलो भाई मैं नहीं निकल रहा मैं घर पे बैठा हूँ चाय पी रहा हूँ तुम निकलो मैं इधर से निकली हाँ 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 निकल मैं कहाँ रोक रहा हूँ मैं आहा भी ना करूँ मैं इधर से निकली वो उधर से निकला मैं अपने घर गई वो अपने घर चला गया ये शेर था कोई इतला दी थी तूने अपने घर गई वो अपने घर गया अब तक तुम लोग निकले क्यों थे अरे आप मेरी जान लेंगे क्या नहीं निकल रही मैं चलिए मैं नहीं निकली मैं घर गई वापस मैं कह रही हूँ आप यहाँ से निकले
तुम उधर से निकलो, हाँ। अगले चौक में मिलते हैं, ठीक है? ओके। यूं ही चलते चलते टकरा गए दो शायर, एक थी मुंबई की शायर सुचेता भेंडी बाजार, तो दूसरे थे दिल्ली के बांके शायर सलीम चांदनी चौक। इन दोनों शायरों ने कैसे लड़ाई तुकबाजी की पेच, आइए देखते हैं। प्रेजेंटिंग सुचेता एंड सलीम। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। पलट कर देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर तू मेकअप करती है तो शेव हम भी करते हैं। वाह वाह वाह, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है, मेरा महबूब मगरूर हो रहा है। मत कर हुसन पे नाज इतना, ये चार दिन की मस्ती है, तेरा हुसन उस वक्त तक है जब तक रंग गोरा करने वाली क्रीम सस्ती है। क्या हो रही है ये, क्या हो रही है ये, क्या हो रही है, जवाब देना, मुकाबला है, शायरी हो रही है। अच्छा हा? तो फिर सुन। सुना। वाह वाह ये तेरी शायरी, ये तेरा शौक। हाय हाय वाह वाह, ये मेरी शायरी और ये मेरा शौक। शायरी करनी है तो कर, कुत्ते जैसा मत भौंक। हम शायर है दिल्ली, तुम जानवर बनाती हो। हम है शायर दिल्ली, तुम जानवर बनाती हो। सुना है आजकल ट्रेन में लड़के पटाती हो। अरे चल चल, आजकल के लड़के हैं खुद इश्क के मारे, देखी जहाँ लड़की करते हैं इशारे, मशरूफ है इस कदर इश्क में प्यारे, काम वाम कुछ करते नहीं, मर जाते हैं कुवारे। आजकल की ये लड़कियां प्यार करके मुकरती हैं, अपने आशिक के साथ बाइक पर बैठकर भी दूसरों से गिफ्ट पकड़ती हैं। अच्छा, न फरहाद न मजनू न रांझा कहलाते। हाय हाय, हम लड़की अगर नहीं होती तो तुम लड़के कहाँ जाते। कभी ठर्रा कभी विस्की कभी सुल्फी लगाते, तुम लड़कियां नहीं होती हम कपड़े फाड़ कर जंगल पहुंच जाते। आजकल जो भी कुछ हो वो कम हो रहा है, केबल और टीवी की वजह से सब कुछ उल्टा हो रहा है, सास बहू से पिट रही है, ससुर खुश हो रहा है, बीवी काम पे जा रही है, मियां सो रहा है। आजकल तो बच्चा भी जल्दी जवान हो रहा है, मोबाइल पे दोस्ती, नेट पे हनीमून हो रहा है, और अब तो ये दौर आ गया है, लड़की लड़की से खुश है, लड़का लड़के पे फिदा हो रहा है। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अब मेरी सुन। सुनाओ। टीवी के रियलिटी शो की वजह से मुहूर्त का समय बदल रहा है। दुल्हन आजा नचले देख रही है, दूल्हा कॉमेडी सर्कस देख रहा है। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है। hey, पहले खिड़कियों के कांच तोड़ता था, लोग कहते थे मौलवी के घर शैतान हो रहा है, उन्हें क्या पता था बड़ा हो के वो इरफान पठान हो रहा है। तुम लड़की शक्ल से हिंदुस्तान की लगती हो, हाँ। मगर कपड़ों से देखो तो मेड इन कोरिया है। क्या हो रिया है ये, क्या हो। अब लड़कों का देखो, उनका क्या हो रिया है। अच्छा, हम लड़कों में सुनो। घर की छत टपक रही है, तू उसे वाटर सप्लाई समझ रहा है। बाप का वजन गिर रहा है, तू जिम में बॉडी बना रहा है। घर में नहीं आटा न चीनी न दाल, तू गर्लफ्रेंड को पिज्जा खिला रही है। क्या हो रही है ये, क्या हो रही है। और सुन, हुई जिससे तेरी शादी। हुई मेरी जिससे शादी। वो थी इतनी सादी, वो थी इतनी सादी, घूंघट में शर्मा के बोली, क्या आए भैया ये क्या हो रहा है। मैंने कहा बाजी खामोश रहो, हमारा तुम्हारा निकाह हो रहा है। हम दोनों एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं, जो बाहर इतना बवाल मच रहा है। तो बाहर के वो बाल पे कुछ कह लेते हैं। शुरू हो जाओ। अमीरों की ऐश हो रही है, गरीब बेचारा बेहोश हो रहा है। सेठ एसी में, मजदूर फुटपाथ पे सो रहा है। जनता का सरकारी अस्पताल में, नेताओं का लंदन में इलाज हो रहा है। शराब खुलेआम, उधर नलकों में पानी कम हो रहा है। क्या ये हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये कॉमेडी सर्कस हो रहा है, हमको इमोशनल नहीं होने का है। तो घर चल, बच्चा रो रहा है। थैंक यू, थैंक यू शेखर।
सही माने में ये जुगलबंदी थी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और बहुत सारे मसलों को आपने उठाया, सुलझाया, गिराया, पढ़ाया। पता नहीं ये क्या दे रही है, ये क्या दे रही है। 8 points, thank you sir, thank you। हालांकि आपका एक्ट अच्छा था, but I felt there was something missing in the act, so even I'm going to give you an 8. 8 points. मैं तो बड़ा लुत्फ उठा रहा था आप लोगों की जुगलबंदी का, मुझे मजा भी आ रहा था सुनने का, लेकिन फिर एक जगह कहीं ड्रॉप आया, आप ये क्या हो रिया का सुर भूल गए, और अपटेक में कहीं कहीं सुचेता आप सरासी स्लो पड़ गई, इसलिए मैं भी आपको 8 ही दूंगा। 8 points, थैंक यू सुचेता, थैंक यू सुरीन। कॉमेडी सर्कस के इस मुशायरे की रंगत बढ़ाने आ रहे हैं हमारी अगली शायर जोड़ी, वही फटेहाल अकबर बीरबल, जिन्हें कुछ नहीं मिला तो करने लग गए शायरी। आइए देखते हैं कि कैसे फैलाई उन्होंने ये नई बीमारी। मुगलिया अंदाज में शायरी इरशाद फरमाने आ रहे हैं राजेश और राजीव निगम। A huge round of applause. लगता है अभी पिछले ओवर का हैंगओवर उतरा नहीं अभी तक। रुक जा मेरे फूफा ये ऐसे नहीं रुकेंगे, मेरे को रोकना आता है, इतना लोन ले रखा है बुड्ढे ने। अकबर भागो, लोन रिकवरी वाले आ रहे हैं। बीरबल ये क्या बक रहे थे, हम अकबर हैं अकबर और तुम हमारी ही फाड़ रहे थे। ये फाड़ने सिलने की बात बंद करो, आज शायरी राउंड है, शायरी करो। ओके okay. हाँ तो तानसेन को बुलाओ। तानसेन शास्त्रीय संगीत गाते हैं, वो टुच्चे शायर नहीं है कोई। समझे? और दूसरी बात, तानसेन को मायावती ले गई हैं अपने यूपी में गवाने के लिए राग दीपक। क्यों? क्योंकि यूपी में चल रहा है पावर कट। ये क्या बात हुई, उसका था कमिटमेंट, हमारे साथ था एग्रीमेंट, और ये कहां की है प्रोफेशनलिज्म। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तुम ही दो शेर सुना दो। मैं सुना दूं? हाँ। मतलब मुझे मास्टर की समझ रखा है क्या? तानसेन नहीं तो दो ठुमरी सुना दो, अनारकली नहीं तो दो ठुमके दिखा दो, जोधा भाई मायके गई है तो एक खामोश। बस आप हमारे साथ खेलते हो तरह तरह के खेल, और बाकी के 8-9 रतन बेच रहे तिल। ठंडा ठंडा, कूल कूल, बाकी सब जा भूल, और 2-4 शायरी सुना दे, तेरा जाता क्या है। अच्छा सुनाने को तो 10-20 सुना दूं, ये बताओ आता क्या है। देख बिरबल, आज शेरो शायरी का राउंड है, तो 2-4 टुच्ची सी ही शायरी सुना दे। चलो ठीक है, अभी बोल रहे हो तो झेलो। इरशाद है ना, शेखर ने कहा अर्चना से पुस 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 पुस। वाह 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 कमाल है। वाह, शेखर ने कहा अर्चना से पुस 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 पुस, फिर अर्चना ने कहा शेखर से बस ठुस 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 ठुस। और बिना बात के सतीश शाह हो रहे हैं खुश खुश खुश, क्या चुकबंदी है, तुम बना रहे हो मुझे बुद्धू, बीरबल हो या सिद्धू, तुम सिर्फ हमारे सवालों का जवाब दो, ये बताओ कि इस सदी के महान शायर कौन है। अमर सिंह। कैसे? जो शायर अपनी टुच्ची शायरी से सदी के महानायक को पटा ले, उससे बड़ा शायर और कौन हो सकता है। तो उसकी कोई टुच्ची शायरी सुना दो। उसकी टुच्ची शायरी बड़ी हिट शायरी थी, वो मुझे याद आ रही है, यूपी में काफी मशहूर है, कि यूपी में है दम, यूपी में है दम, क्योंकि जुर्म यहां पर है कम। ये शेर है या चुटकुला? बीरबल कोई रोमांटिक शेर सुनाओ। रोमांटिक? तुम मुझे अपने बदन की खुशबू से दीवाना बनाती हो, मैं उस साबुन के प्यार में पड़ गया हूं जिससे तुम नहाती हो। वो मुझे देख के मुस्कुराती है। तुम्हें?
शायरी है ये। कंटिन्यू। वो मुझे देख के मुस्कुराती थी, कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पाती थी, लफड़फड़ाते थे लेकिन आवाज बाहर नहीं आ पाती थी। जब मैंने उसका मुंह खोल के देखा तो कमबख्त हमारी गुटका चबाती थी। अरे कोई मीनिंगफुल शेर सुनाओ। मीनिंगफुल हाँ, बड़ा अच्छा मीनिंगफुल याद आ रहा है। इरशाद, मैं भूल गया मीनिंगफुल शेर। तो कोई आगे की शेर पढ़ दो। एक मिनट, मुझे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ से एकदम अचानक ये ढीला हो गया तो मेरा दिमाग इधर चला गया। एक मिनट प्लीज। कोई मीनिंगफुल शेर सुनाओ। मीनिंगफुल शेर? हाँ याद आया। वो जब याद आए बहुत याद आए। वाह वाह। वो जब याद आए बहुत याद आए। अकबर बने घूमते हो सलीम के बाद दूसरा लौंडा नहीं पैदा कर पाए। व्हाट? व्हाट डू यू मीन? दिस शेर वाज फुल ऑफ मीन। हम तुम्हें अनारकली के साथ दीवार में चिनवा देंगे। ठीक है, अच्छा है, हम भी अनारकली के साथ दीवार में हनीमून मना लेंगे। ये क्या था? शेर है, शायरी है। तुम दे रहे हो मुझे डोज, बिना अकबर के बीरबल की कब होगी खोज। अच्छा देखिए, बहुत हो गया, चुपचाप किनारे बैठो आप, वरना मूड के खराब हुआ ना तो हौक देंगे कंटाप। ये क्या था? शायरी है और क्या है। एक शायरी हम भी सुनाएंगे। सुनाओ। तुम्हारे जैसे घटिया शायर बहुत देखे, तुम्हारे जैसे घटिया शायर बहुत देखे, तुम्हें अपने शरीर से चिल्लर की तरह निकाल के हम फेंके। बहुत बड़े बनते हो शायर, भाग खड़े होगा जब करूंगा फायर, और मारे मुख को मुंह सुझा दूंगा, शायरी करना हमेशा के लिए भुला दूंगा। तुम्हारी औकात क्या है, हमारी बात में बात क्या है? अच्छा, हमारी बात की बात मत करो, मेरी बात बहुत दूर तक जाएगी। मैं नहीं रुकूंगा कहानी घर घर की तरह, मैं शुरू हो जाऊंगा शक्ति कपूर की जवानी की तरह, मैं खत्म नहीं होऊंगा। गड़बड़ हो गया मेरा, सॉरी, मैं भूल गया मेरी खुद से। चलिए जो भी, सॉरी, लास्ट ही था ये, लास्ट लाइन थी। जजेस, अर्चना, राजू और राजेश, आज इत्तेफाकन और अनफॉर्चुनेटली आपका जो बीच का भूलना और फिर एंड का फिर से भूलना आपके अगेंस्ट जा सकता है। ये ठीक है, ये हो गया, बट दिस डज नॉट डिटरमिन वेदर यू आर फनी और नॉट। दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द मार्क्स आई विल गिव यू, दैट लेट मी से दिस मच। हैविंग सेड दैट, सम पंचेस वर रियली नाइस। खास तौर से मुझे राजू तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी आज, बट इट वॉज नॉट अ परफेक्ट परफॉर्मेंस एंड आई विल गिव यू नेट 8 points। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग ज़रा अंडर रिहर्स थे, या किसी टेंशन में थे, या आपको पूरी तैयारियों के लिए वक्त नहीं मिला। मुझे इससे पहले कि जब आपका वो बीच में एक रुकावट आई आपके पैजामे की वजह से या किसी भी वजह से, उससे पहले भी एक दो बार मुझे ऐसा लगा कि कहीं पर आपका फ्लो टूट रहा है। हालांकि इट बिगैन वेरी वेल, और मैं आपके इस परफॉर्मेंस को कुछ नज़रअंदाज करते हुए और कुछ ध्यान में रखते हुए मैं भी 8 ही दूंगा। 8 points। शेखर, बीरबल, तुम्हारी बातें सुन सुन कर मुझे लग रहा था बहुत ही डर हर पल, क्योंकि तुम रहे थे फिसल। ये बदकिस्मती न सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हमारी भी है, क्योंकि हम एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने की चाहत थी हमें और वो पूरा नहीं हो पाया, और अकबर साहब की शिकस्त हुई। हम भी आपको 8 देंगे। 8 points। बारी है फिर उसी अजीम शख्सियत की जिनके बारे में कहा गया है कि क्या आंखें हैं आपकी। शकील मियां, आपके बारे में बोल रही हूँ। क्या आंखें हैं आपकी, क्या बातें हैं आपकी, उस खुदा ने कुछ ऐसा आपको बनाया मानो हॉरर फिल्म से भूत निकल आया। प्लीज वेलकम शानी शकील विद हिज हॉन्टिंग जोक्स। अर्ज करता हूँ। इरशाद। इरशाद काम पे गया हुआ है। अर्ज किया है,
आज तू कली है, कल खिल के गुलाब होगा। मजे ले मजे। वाह 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 वाह। आज तू कली है, कल खिल के गुलाब होगा, मुझसे शादी कर ले तुझे बड़ा सवाब होगा। मैं भी आपके इस शेर पर एक और शेर सुनाती हूँ। बको। कर लो तुमसे शादी, ये ख्याल अच्छा है। क्या बात है, खुदा की कसम मजा आ गया भाई। आगे बोलूं? नहीं, यहीं रोक दो बस। यही खत्म, मुझे यहीं उतार दो बस। अरे पर आगे का भी तो सुनिए। नहीं बस, एक आदमी एंजॉय कर रहा है, करने तो दफा करो आगे की बात। चौदह एपिसोड तक तुमसे यही तो बुलवाना चाह रहा था मैं। क्या है, कर लो, कर लो तुमसे शादी, ये ख्याल अच्छा है। बस 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 बस। तुझे देखकर ऐसा लगता है कि तू पागल का बच्चा है। कैसी लगी? मैं पागल, तूने मुझे पागल कहा, मैं पागलपन भी दिखाऊंगा। अगर सीधी तरह ना माने तो उठा के ले जाऊंगा। अच्छा, उठाने की बात करें? अर्चने जी को उठा के बैठाइए, उनको उठाइए। इनको तो कोई जलूस ही आएगा उठाने। इन पे शेर कहूं? बिल्कुल। दुनिया के चमन में किसकी कितनी शान है, दुनिया के चमन में किसकी कितनी शान है, घर में तो है ये मिसेस परमीत, बाहर सलमान खान है। ये जो शेरो शायरी की जो गदरे जुम्बिश है, जो ये घटिया जो बौछार हो रही है, उस पर एक शेर इधर भी आमद हुआ उनके लिए। इरशादुल्लाह कुद्दूसी जी, कि जी चाहता है, श्रुति आपके लिए, कि जी चाहता है तेरे चेहरे पे मुहासे और कील बन जाऊं। जी चाहता है तेरे चेहरे पे मुहासे और कील बन जाऊं, तुझे इतना सताऊं कि शेखर से शकील बन जाऊं। अर्ज किया है कि पाइचा क्या फटा मेरी शलवार का, क्या पाइचा क्या फटा मेरी शलवार का। गरीबों वाले शेरी बोलेंगे आप, बोलिए। तू तो बैंक में सोती है ना। पाइचा क्या फटा मेरी शलवार का, लोगों ने मेरे नेफे को रास्ता बना लिया। और अर्ज किया है, बर्फबारी हो रही थी, लग रही थी मुझे ठंड, बर्फबारी हो रही थी, लग रही थी मुझे ठंड, टन टना टन, टन टना टन, टन टना टन, टन। अब और बर्दाश्त नहीं होता हमसे। तू जाओ बाहर से हो के आओ, तो आप जाकर बैठ जाइए। यार पता नहीं मुझे किसके हक में बैठाना चाहती है, 14 एपिसोड से बैठाई जा रही है मुझे। ठीक है, वहां जाकर कोने में खड़े रहिए, एंड लुक एट द वॉल, गो। ओके, थैंक यू मगरमच्च। बयान करने आ रही है हमारी अगली जोड़ी, हाले दिल। भाई मियाँ बीवी के घरेलू झगड़ों से कौन वाकिफ नहीं है, और अगर दोनों शायरी में एक दूसरे से बात करने लगे तो फिर सोने पे सुहागा। ऐसी ही कुछ शायराना नोक झोंक लेकर आ रही हैं हमारी होममेड शायर जूही एंड वीआईपी। चेक दिस वन आउट। डार्लिंग, तुमने मुझे याद किया। हाय रे किस्मत, तुझसे रहेगा हमेशा यही गिला, मुझ जैसी हसीन शायरा को ये कैसा पति मिला। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, क्या कमी है मेरे में। इस सवाल का जवाब तो मिलता है सिर्फ अंधेरे में। सुनो, आजकल तुम जाती नहीं मुशायरे में। अरे जाके करूँ क्या, वहाँ भी आपके चर्चे मशहूर हो चुके हैं, अब तो बुड्ढे बुड्ढे शायर भी मुझ पे लाइन मार चुके हैं। बूढ़े होते ही बदमाश है। ऐसी बात नहीं है, शकील जी को देखिए, वो कभी भी मुझे बुरी नजर से नहीं देखते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरे पे ही आंखें सेकते हैं। मेरी पेशानी पे पड़े बल को जरा देखे। वाह वाह। मेरे आज में मेरे कल को जरा देखें। वाह वाह। वो जैसा कमल का फूल खिला है जिसमें, उस काले रंग के दलदल को जरा देखें। तू
तुमने मेरी कला का मजाक उड़ाया जब मैं तुमसे बात नहीं करती। करता हाँ वही। अच्छा ठीक है चलिए, अब इस तरह चुप रहकर मेरा मत मुंह मत दुखाओ और सुनो, तुमसे बदबू आ रही है, जाके नहा कर आओ। जैसे मुझे पता नहीं है, जब मैं नहाने जाता हूँ तो फोन पे अपने आशिक से बातें करती है। ओहो, अब ये अपने काले दिल में कैसा वहम पाला है, वो कोई मेरा आशिक नहीं, हमारा दूध वाला है। दूध वाला? तुम्हारा स्टैंडर्ड इतना गिर गया है, अरे चक्कर चलाना तो कम से कम किसी राशन वाले से चलाती। राशन वाला जब भी मौका मिलता है चांस मार देता है, आपको क्या लगता है फोकट में उधार देता है? जैसे सब तुम पे ही चांस मारते हैं। हाँ हाँ, मुझ पे चांस नहीं मारते, उन्हें मुझ पे तरस आता है, क्योंकि सब जानते हैं कि मेरा पति लहरी के पास जाता है। लहरी का नाम क्यों बीच में? लहरी वो तो मेरा गुरु है। गुरु है ना, तो उससे बच के रहना, गुरु दक्षिणा का वक्त भी आएगा। सुनो, द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था, तुमसे पता नहीं क्या मांग ले। प्लीज मुझे डराओ मत, मैं उससे मिलना जुलना बंद कर दूंगा। अरे किस किस से मिलना जुलना बंद करवाऊं मैं तुम्हारा, जाने किस किस से मिलने जाते हो, ये मुंह बचपन से ही काला है कि रोज काला करवा के आते हो? तुमने मेरे कलर का मजाक उड़ाया। नहीं, मैंने तो बस आपको आईना दिखाया। अब बताओ आप रोज किस से मिलते हैं? देखो, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, इस दुनिया में दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप बात करते हुए इतना क्यों हिलते हैं? हिलना मिलना छोड़, तू बता तेरा किसके साथ चक्कर चल रहा है? मेरा? आपसे किसने कहा? किसी ने भी कहा, सीधे सीधे बताओ। वो क्या है कि मेरे बालों में ये फूल आपके बेस्ट फ्रेंड ने लगा रखा है। वो कमबख्त शैलेश, उस पे तो मुझे शुरू से शक था। नहीं नहीं, देखिए मैं आपसे सच कहते हुए डर रही हूँ, लेकिन मैं शैलेश नहीं, लहरी की बात कर रही हूँ। अच्छा, और लहरी क्या, बाकी सब भी मुझ पे मरते हैं, बस कुछ अपनी बीवी और कुछ अपने पार्टनर से डरते हैं। राजेश और राजीव जब देखो मुझे ताड़ते रहते हैं, या फिर औरत बन बन के एक दूसरे के कपड़े फाड़ते रहते हैं। और वो कृष्णा, अरे दिल का उतना ही काला है जितना शक्ल का गोरा है। और वो सलीम, हाय क्या बताऊँ, निहायत ही छिछोरा है, एक भी शरीर ज्यादा नहीं है इतने सारे मुंडों में, बस ये समझ लो कि तुम्हारी रजिया फंस गई है गुंडों में। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सब लोगों किसने किसी तरह फंसना पड़ता है। अच्छा, तुम्हें किसने फंसाया है? आजकल मेरे ऊपर दिल शेखर जी का आया है। शेखर जी, क्या है कि मैं उनसे कुछ कहूंगी तो वो मुझे ही डांट देंगे, ऐसा करो तुम उनसे फंसे रहो वरना नंबर काट देंगे। सतीश जी, जूही यू आर एक्सेलेंट, इसको मैं पहले देख चुका हूँ, उससे जो उम्मीद थी मुझे उतनी ही मिली, एंड आई डोंट थिंक आई एम गोना कट एनी मार्क्स, आई कुड हैव गिवन यू मोर बट आई कांट। 10 points. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था जूही, यू आर एक्सेलेंट एंड सो वर यू वीआईपी, टेरिफिक, आई विल गिव यू अ 9. थैंक यू सर, थैंक यू। आई लव द स्क्रिप्ट, हालांकि मेरे दोनों काबिल जो जज हैं बोलते हैं जूही यू वर एक्सेलेंट, आई बेग टू डिफर लिटिल बिट, आज आप उतना एक्सेलेंट नहीं थी जितना आप हमेशा होती हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट्स एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, 1 number फॉर यू वीआईपी। उमर निकल गई खूबसूरती के पीछे दौड़ते दौड़ते, फिर भी कर रहे हैं शायरी कब्र से लौटते लौटते। कुछ ऐसा ही हाल है राजीव फिदा हुसैन का, जो इंस्पिरेशन ढूंढते ढूंढते पहुंच गए हैं दीक्षितों की बेटी के पास। देखिए कैसे रचा इस लीला का रास, कमिंग अप काम्या एंड राजीव। कोई है जो हमें हुसन का जाम पिला दे, कोई है जो हमें रैंप पे चांस दिला दे, अपनी पेंटिंग की सारी कमाई उसके नाम कर दूंगा, बस मुझे एक बार माधुरी दीक्षित से मिलवा दे। हरा रंग डाला खुशी ने हमारी
हाय तुम कौन हो? हाय इतने सालों से यही तो पूछ रहा हूँ, हम आपके हैं कौन? हाय इन्हीं अदाओं ने तो लूटा, हम तुम्हारे एसी कूलर फैन, मशहूर पेंटर FM हुसैन। इश्क को काबू में रखो घोड़े की लगाम की तरह, मुंह उठाए चले आए पिचके हुए आम की तरह। तो कौन कहता है कि बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता, आम भी मजा नहीं देता जब तक पिल पिला नहीं होता। मैं तुम्हें चाहता हूँ अपने दिल में समाना, अपने बाथरूम में तेरी एक मस्त पेंटिंग बनाना। पेंटिंग कहीं भी बनाना, बस उसे कपड़े जरूर पहनाना, क्योंकि तुम बनाते हो वॉल पेंटिंग, वो बन जाती है बबाल पेंटिंग। यहाँ से हट जाओ वरना पड़ जाएंगे लेने के देने, बड़ा वाला इंजेक्शन ठोक देंगे डॉक्टर नेने। एक बार इधर भी चांस देख, फिर देख हमारी धमाल, हमारे घर में जो होगा उसका नाम रखेंगे जमाल। जब गली में निकलेगा तो सभी पूछेंगे हाय ये किसका है कमाल। बिना तूफान के भवंडर, बिना गैस के सिलेंडर, जहाँ भी जाती हूँ वही चले आते हो, चोरी चोरी मेरी पेंटिंग बनाते हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अरे तेरा मेरा रिश्ता वही है जो सलमान और कैटरीना का है, सैफ और करीना का है, स्ट्रगल और आफताब का है, अमर सिंह और अमिताभ का है, शेखर जी और गाने का है, सतीश जी और खाने का है, वही जो मच्छर का गटर के पानी से है, क्योंकि सास भी कभी बहू और स्मृति ईरानी का है। बस 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 मैं समझ गई, हाय आपका और मेरा वही रिश्ता है जो दीपक और ज्योति का है, हाय सीप और मोती का है, हाय कुर्ता और धोती का है, हाय दादा और पोती का है। दौर फिरे मुँह तेरा। थैंक यू। तो जजेस आप पंजाबी MF हुसैन के बारे में क्या कहेंगे? जो एक रिदम जो लेके चले थे शुरू से आखिर तक, उसको आपने बरकरार रखा और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये 9 के काबिल है। 9 points। थोड़े से पंचेस कम लगे और कहीं कहीं जहाँ काफिया मिलाने की कोशिश की थी वहाँ पर नहीं मिले, लेकिन जो एंड में आपने किया दैट स्वंग वन मोर मार्क फ्रॉम मी इन योर फेवर, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू 9 points। आप लोगों का परफॉर्मेंस बड़ा कंसिस्टेंट था मेरे ख्याल से, मगर एक ठहराव था, मैं चाह रहा था कि ये ठहराव से ऊपर भी आप बढ़ें, जरा सा आप बढ़ें भी, मगर फिर वहाँ आके रुक गए और मैं यही प्रार्थना करता रहा कि इससे नीचे ना जाए, आप नहीं गए और आपका एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी आपको दूंगा 9। थैंक यू। 9 points। थैंक यू कामया, थैंक यू राजीव। सोचा था कि हर मोड़ पर हमारी जोड़ियाँ साथ देंगी, पर क्या करें कमबख्त सड़क ही सीधी निकली और हमारी सड़क सीधी जा रही है एलिमिनेशंस की ओर। तो जजेस पॉइंट्स और ऑडियंस वोट के टैली के हिसाब से हमारे आज के एपिसोड की पहली अनसेफ जोड़ी हैं सुचेता एंड सलीम, और आज की दूसरी अनसेफ जोड़ी हैं राजेश एंड राजीव। दोनों जोड़ियां हैं एक ही कश्ती में सवार, लेकिन किसी एक का मुकद्दर आज कॉमेडी सर्कस में डूब जाएगा। कौन सी है वो जोड़ी? लेकिन उससे पहले आइए हमारी सेफ जोड़ियों से हम जान लें कि अगर उन्हें किसी को बचाने का मौका मिलता तो वो किसे बचाते। कामया एंड राजीव। बहुत डिफिकल्ट है कहना, लेकिन मैं सुचेता और सलीम को बचाना चाहूंगी। कृष्णा एंड सुदेश। राजेश एंड राजीव। तो आप राजेश एंड राजीव को बचाना चाहेंगे। एक वोट राजेश और राजीव को मिला है और एक सुचेता और सलीम को। देखते हैं हमारी आखिरी जोड़ी किसे बचाना चाहेंगी। VIP एंड जूही।
जब दो जोड़ियां वहां खड़ी होती हैं तो उस दिन के परफॉर्मेंस के बेसिस पर खड़ी होती है, और मुझे लगता है कि सुचेता और सलीम की परफॉर्मेंस की वजह से मैं उन्हें बचाना चाहूंगी। हमारी दो सेफ जोड़ियों ने सुचेता और सलीम को बचाने की चाह दिखाई। अब देखना यह है कि क्या उनकी सोच हमारी ऑडियंस और हमारी जजेस के वोट्स के साथ मिलती है या नहीं। जजेस पॉइंट्स और ऑडियंस वोट के टैली के हिसाब से आज जो जोड़ी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा है, वो है राजेश एंड राजीव। सुचेता एंड सलीम, आपको ऑडियंस के वोट्स ने बचा लिया है। प्लीज ज्वाइन द सेफ जोड़ीज। जोरदार तालियां हमारी दोनों जोड़ियों के लिए। राजेश एंड राजीव ने अब तक हम सबको खूब हंसाया और बहुत एंटरटेन किया। अनफॉर्चुनेटली ये एंटरटेनमेंट का सफर आज यहीं खत्म होता है। राजेश, प्लीज हमें अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। कभी इतना डेली सोप या इतने कॉमेडी सीरियल्स भी नहीं कर पाऊंगा जितना मैंने यहाँ पे कैरेक्टर निभाने की कोशिश की। सो आई एम एक्चुअली प्राउड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू जजेस सो मच, आप लोगों ने हमेशा सराहा है, बस थैंक यू। जो भी निर्णय लिया गया है उसको मानना मजबूरी है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। पता नहीं मुझे किस तरीके से निर्णय लिया जाता है, किस तरीके से क्या किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक मौका और देना चाहिए था मुझे। आप दो जगह रुके, एक जगह पैजामे की वजह से और दूसरी बार भूल गए आप। क्रिकेट में भी कोई रनिंग बिटवीन द विकेट में अगर दौड़ते वक्त अगर फिसल जाए और रन आउट हो जाए तो फिर ही नहीं कह सकता मेरा पांव फिसल गया, और बावजूद उसके बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिले, लेकिन फिर जनता का जो निर्णय था वो आपके खिलाफ चला गया। राजू और राजीव, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि ये परफेक्ट सिस्टम नहीं है, तो यहाँ तो परफेक्ट सिस्टम जजमेंट का हो ही नहीं सकता। देयर इज नो कंप्यूटर जो बोल सके कि इसका बेहतर था इसका खराब था। वो मैंने भी रियलिटी शो हार का कोई मकसद लेकर के ही नहीं आया था, और दूसरी बात मैं ये जीत और हार पे बिलीव भी नहीं करता हूँ। हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लगे, तो सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, बड़ा अच्छा लगा ये सोच करके कि अकबर बीरबल के कॉस्ट्यूम से शुरू किया था और अकबर बीरबल के कॉस्ट्यूम पे खत्म किया। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी पर एक शेर मुलायजा है कि तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, वापस आना तो नाड़ा कस के आना। हंसते हुए जाओ यार, हंसते हुए आए थे, हंसते हुए जाओ। और अब बारी है आज के इस एपिसोड के नो कंफ्यूजन ग्रेट कॉम्बिनेशन मोमेंट्स की। आप शायर कब से बन गए? बस एक लंबी कहानी है। कितनी लंबी है? चल हाईवे पे चल के सुनाता हूँ। हाईवे खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म नहीं होगी। ये बताओ कि इस सदी के महान शायर कौन है? अमर सिंह। कैसे? जो शायर अपनी टुच्ची शायरी से सदी के महानायक को पटा ले, उससे बड़ा शायर और कौन हो सकता है? सिचुएशन ये है। वीआईपी आपका क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि कॉमेडी भरी शायरी खत्म हो गई है तो रुक जाइए, क्योंकि अभी हमारे लास्ट मैन हैं बाकी, जिनके बारे में एक बार फिर अर्ज किया है कि आप क्या जानो हम आपको कितना याद करते हैं। रोज कार्टून चैनल में फोन करके आपको प्ले करने की फरियाद करते हैं। आइए। अब मैं शेर नहीं बोलूंगा जी, आज मैं इनसे शेर कहलवाऊंगा। अच्छा इरशाद शेखर भाई। सुबह से श्रुति कह रही है मेरी फ्लाइट है, मेरी फ्लाइट है, और इसी गम में शकील मियां पी के टाइट है। मेरे बस की बात नहीं शायरी करना। अब ये बन गया, एक मिसरा और कह दीजिए। मेरे बस की बात नहीं है शायरी करना, मुझे अब जल्द से जल्द घर है निकलना। गालिब साहब खुश हो गए होंगे। आप शकील, कॉमेडी सर्कस सीजन वन में कहती थी कि मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी, सीजन टू में मैं ये बात नहीं दोहराऊंगी। वाह वाह वाह। मैं तो चाहती हूँ तुम्हें गाड़ी में बिठाऊंगी और चौराहे पर नाके पर वहीं पर
उतारूंगी। क्या इतला देने वाले, क्या ऐसे शायरी की है, गुफ्तगू की है बाकायदा आपके शायरी में? काफिये का काफिया कर दिया। कपड़े के बारे में क्या कहूंगा, ये कपड़े के बारे में मुझे बाहर किसी ने बहुत अच्छा कहा है जी, कि धोया निचोड़ा लेकिन इस्त्री करना भूल गई। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।